दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्निकल इंटरव्यू के रिलेटेड। अगर आपने SAP किया है, आपने Salesforce किया है, आपने Oracle Fusion किया है, आपने SQL किया है, आपने टेस्टिंग किया है, वेब डेवलपमेंट किया है, चाहे DevOps किया हो, कोई भी कोर्स क्यों ना किया हो, टेक्निकल इंटरव्यू तो होने ही वाला है। और टेक्निकल इंटरव्यू में ये हैक अगर आप लोग यूज़ करते हो तो चांसेस डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे ही होंगे। बिकॉज़ ये एक चीज़ ऐसी होती है जिसके बारे में आपको पता भी है बट आप कभी उसे अप्लाई नहीं करते हो। लेट्स सी दैट क्या होता है। जब भी आपका इंटरव्यू टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल राउंड होता है, तो जो भी टेक्निकल पर्सन आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसको एक स्लॉट दिया होता है 2 से 3 का, समझ लो 2 PM to 3 PM, बिकॉज उसके बाद में दूसरे इंटरव्यूज भी लेने होते हैं। आपका अकेले का पूरे दिन भर में इंटरव्यू नहीं होने वाला है, काफ़ी सारे इंटरव्यूज होने वाले हैं जो टेक्निकल पर्सन लेने वाला है। अब इसमें होता क्या है कि जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो टेक्निकल पर्सन आपको कंफर्ट करने के लिए बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। बिगिनिंग के अंदर 5-6 क्वेश्चंस आपको बेसिक लेवल पे वो पूछता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब वो क्वेश्चंस हमें पूछता है ना, बेसिक बेसिक वाले, वो हमें आते हैं और हम डेस्परेट हो जाते हैं उसका आंसर देने के लिए, और हम लोग फटक से उसे आंसर दे देते हैं। उसने पूछ लिया हमें, ये क्या होता है, हम उसका आंसर दे देंगे उससे, एक क्वेश्चन और एक आंसर खत्म हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है, फिर तुम दूसरा आंसर दे देते हो, तीसरा पूछता है, तीसरा देते हो, चौथा पूछता है, चौथा देते हो। अब ये 10 मिनट में उसने तुमसे कम से कम 6-7 क्वेश्चन पूछ लिया, तुमने इसे सबके उससे आंसर दे दिए, बट कितने मिनट में दे दिए, तुमने 10 मिनट में दे दिए। तुम्हारा स्लॉट है पूरे 1 घंटे का, मतलब अब उसके पास में पूरे 50 मिनट बाकी है तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए। अब वो तुम्हें लेगा पूरे अलग ही लेवल के क्वेश्चंस के आंसर पूछेगा तुम्हें, ठीक है। अब वो तुम्हें लेगा प्रैक्टिकल सारे, अब वो तुम्हें बोलेगा चलो ये सिस्टम ओपन करके दिखा, मुझे ये करके दिखा, मैं वो करके दिखा। अब यहाँ पे क्या केस होता है कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है, कितना भी होशियार कैंडिडेट हो, कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे ही नहीं सकता, बिकॉज ये लॉजिक है, सबको सब चीज़ पता ही नहीं हो सकती है ना, तो आपको कैसे पता होंगी। बट जो चीज़ आपको पता है, वो चीज़ अगर तुमने एकदम से बताकर खत्म कर दी तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आ रहे हो, समझ रहा हो क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको पता है, ये इसका आंसर मुझे पता है, इसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये चीज का मुझे आंसर पता है, ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू इलैबोरेट, ट्राई टू एक्सप्लेन इन द वे कि तुम प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो वहां पे। समझ में आ रहे हो तुम लोग कि सर मैंने मेरे कंपनी में इस तरह से काम किया था, हमारे प्रोजेक्ट में भी हमने ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, और इससे क्या होगा, जो तुमने पहले क्वेश्चन का आंसर 2 मिनट में दे दिया था ना, वो तुम इनडायरेक्टली 10-15 मिनट खा ले रहे हो उसके। समझ में आ रहा है क्या। अब करना क्या है, जो क्वेश्चन के आंसर तुम्हें पता होते हैं तुम्हें मैक्सिमम ट्राई करना है कि उसका टाइम कंज्यूम करो। तुम जितना ज़्यादा उसका टाइम कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार जिस ये बंदा सही में, ये बंदे को टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर वो आपसे एक इम्प्रेस हो जाता है कि आपके आंसर से, आपके प्रेजेंटेशन से, आपकी डिलीवरी से, तो वो आपको पूछते रहता है कि अब मुझे पता, फिर आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। बट 1 घंटे में जब वो पहले आपको 30 क्वेश्चन पूछ रहा था, अब वो आपसे सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन पूछ सकता है बिकॉज आपका स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। चलो 1 घंटे का नहीं, 1.5 घंटे का भी पकड़ लो तो कितने, बट यहाँ पे क्या हो गया कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो आपको पता थे। एंड यूजुअली होता क्या है, बच्चे करते क्या है कि कोई क्वेश्चन पूछा उसको जवाब दे दिया, बट बाद में जो क्वेश्चन आते हैं तो जवाब दे नहीं सकते। तो जब वो टेक्निकल पर्सन मार्क्स डालता है ना आपकी इसके ऊपर, आपके CV के ऊपर, तो वो 10 out of 6 डालेगा, 10 out of 7 डालेगा। बट वेन यू आर एक्सप्लेनिंग हिम, जब आप उसे एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़ों को ना, तो तब वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देता है, 10 out of 8, 10 out of 9। और ऐसे ही हैक करके बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे पैकेज पे प्लेस हो जाते हैं। ये आपको पता नहीं होगा बट हाँ, इसे यूज़ ज़रूर करना। आप कोशिश करना कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया ना, तो उसे बहुत बड़ा चढ़ा के बताओ एकदम, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, टाइम खाओ उसका सामने वाले का। तब जाके आप भी एक चीज़ करेंगे कि यार अब देख काफ़ी देर हो गई, अब ये बोलेगा कि ठीक है, एंड यू विल फाइंड आउट कि मेरा टेक्निकल इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। बिकॉज अगर ऐसा कभी हो जाता है ना कि आपको ने 30 क्वेश्चन पूछ लिया, आपको 10 आए और 10 नहीं आए ना, तो वो जो 10 नहीं आते ना, तो वो हमारे मन में कहीं ना कहीं रहता है कि यार मैं ना बेस्ट नहीं दे पाया, मुझे ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आए। बट रीज़न ये था कि वो तुम्हें नहीं आए ना, माइट भी वो किसी और को भी नहीं आ सकते थे,
है ना, बिकॉज सभी को सब क्वेश्चंस के आंसर आ ही नहीं सकते, जैसे मैंने पता है तुम लोगों को, बट आपको सॉल्यूशन इसका यही रहेगा, जो आता है उससे अच्छे से बताओ, जो नहीं आता उसका टेंशन ही मत लो, माइट भी जो तुमने बताया है पहले वो इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा सामने वाले पे कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो बस ये टेक्निक यूज़ करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ रिजल्ट। वीडियो पसंद आएगा लाइक ज़रूर करना, और कमेंट्स में जो चीज़ के रिलेटेड तुम्हें चाहिए ना कि सर ये चीज़ के रिलेटेड वीडियो बनाओ, कमेंट जरूर करना, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द सेम। थैंक यू, बाय गाइज, बाय बाय।